फ्रेंड, आज हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का रिजल्ट दिखाएंगे, प्रोसीजर दिखाएंगे आफ्टर 8 मंथ का। ये पेशेंट थे जिनका हमने स्टेज 5 बाल्डनेस थी, तो इसमें हमने FU टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी किया था और 8 मंथ बैक हमने किया था। तो उसका रिजल्ट आज दिखाएंगे कि कैसे हमने प्रोसीजर किया और क्या आउटकम रहा इनका आफ्टर 8 मंथ, इन्होंने क्या क्या फॉलो किया। तो बेसिकली अभी जैसा कि देख रहे होंगे, अभी हम FU टेक्निक से ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर रहे हैं। इसमें FU टेक्निक होती है जो एक पंच होता है जिससे बाल को निकालते हैं और उसके बाद फ्रंट एरिया में इम्प्लांट करते हैं। यह सर्जरी पूरी लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है, जिसमें लोकल एनेस्थीसिया रहता है और जो पार्ट में निकाला जाता है उस एरिया पर इंजेक्शन लगाते हैं, वो एरिया नम हो जाता है, सुन्न हो जाता है, उसके बाद फिर फ्रंट एरिया पर हम बालों को लगाते हैं। इस सर्जरी को करने में करीब 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि प्रोसीजर लंबा होता है, एक एक बाल निकालना और फिर लगाना, तो इसमें समय लगता है। तो उसमें पूरा दिन निकल जाता है, अगर मॉर्निंग में शुरू किया जाए तो शाम को 5-6 बजे प्रोसीजर ख़त्म होता है। तो अभी हम बालों को निकाल रहे हैं, उसके बाद फिर फ्रंट एरिया में लगाएंगे और वीडियो के अंत में आपको इसका पेशेंट का रिजल्ट भी दिखाएंगे कि कैसा इनका आउटकम आया आफ्टर 8 मंथ। इसमें हमने करीब 3200 ग्राफ्ट लगाए, 3200 ग्राफ्ट हमने इम्प्लांट किया। कि आप देख रहे होंगे अभी हम हेयर फॉलिकल निकाल रहे हैं, उसके बाद फिर इसको हम इम्प्लांट करेंगे डोनर एरिया पे। ये करीब 7 to 8 आवर की प्रोसीजर है, ये लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। कितना पेन हो रहा है आपको? जरा भी नहीं हो रहा है। शुरुआत में थोड़ा इंजेक्शन लगाने में पेन हुआ ना? थोड़ा सा। अभी पेन हो रहा है? नहीं हो रहा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी पेशेंट पूरी तरीके से अवेक है और पेनलेस प्रोसीजर होता है। बहुत सारे लोगों को फियर होता है कि इसमें पेन होता है। पेशेंट से बात कर पा रहे होंगे कि पेशेंट खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनमें पेन नहीं हो रहा है इस प्रोसीजर में, क्योंकि ये डे केयर प्रोसीजर है, लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इसको हम करीब 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। अभी ये हम फ्रंट एरिया पे फॉलिकल लगाना स्टार्ट कर दिया है और इसको क्योंकि इसमें बहुत फाइन काम होता है, तो धीरे धीरे एक एक बालों को लगाना होता है जो हो। জল দেবেন কন্টিনিউয়াসলি নয়, যখন হলে জল দেবেন, ঠিক আছে? ये देख सकते हैं, करीब 3200 ग्राफ्ट लगाए, 3200 हमने ग्राफ्ट इम्प्लांट किया है। ये सर्जरी पूरी लोकल एनेस्थीसिया में की गई और आफ्टर 8 मंथ आप रिजल्ट कंपेयर कर सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट आया इनका।
हम इसी तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं, हमारे पास काफ़ी पेशेंट की क्वेरी रहती है, तो हमने पूरा सर्जरी का बिफोर और आफ्टर पूरा हमने एक वीडियो में कैप्चर किया है पूरा।